अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ सलमान फ्रॉम अरमानी। हमारे पास AR ब्रांड का ये आर्टिकल है, कंप्लीट सूट नेट पर बना हुआ है और कंप्लीट वर्क, वो भी ओरिजिनल वर्क से बिल्कुल सेम बना हुआ है। ठीक है, हम पहले कुछ इसकी चीज़ें समझ लेते हैं। इसमें आपको ये जो पैनल है ये अलग से मिलेगा, वो ये है, सारा अड्डे से काम तैयार किया हुआ है। ठीक है, ये सेंटर पैनल आ गया। अब जो है वो साइड्स के, इसके फ्रॉक बनाने के लिए या मैक्सी बनाने के लिए, वो है ये कलियाँ। ये कलियाँ हैं जो कि 8 कलियाँ थी, भी मैं ओपन कर दूंगा। ठीक है, ये कलियाँ होंगी, ये 8 कलियाँ होंगी, 4 फ्रंट के लिए और 4 बैक के लिए। अब जिस तरह फ्रंट का पैनल था ना, ये पूरा फ्रंट का पैनल है। ठीक है, और उसी तरह बिल्कुल इसका बैक का पैनल है, जो कि इस तरह एम्ब्रॉयडरी वर्क के साथ है। ठीक है, फ्रंट और बैक ये हो गया, ये फ्रंट और बैक का ये ऑर्गेन्जा पर, ये इसका दामन का बॉर्डर आ गया, कंप्लीट अड्डे वर्क के साथ होगा पूरा ड्रेस। ठीक है, और ये इसका आ गया नेक, ये इसका नेक आ गया। ठीक है, हम एक एक चीज़ बताएंगे। और ये आ गई कंप्लीट अड्डे वर्क के साथ, ये इसकी स्लीव्स, ये आप लोग देख सकते हैं क्लिप नग है, इस पर शेल्पर का सारा काम किया हुआ है और टाका हुआ है। ठीक है, और ये आ गया दुपट्टा। अब देख लेते हैं अब क्या चीज़ रह गई। अब ये रह गई वो फॉइल प्रिंटिंग, फॉइल प्रिंट वाली ये नेट का फैब्रिक है, जो कि 2.5 गज पे होगा, साइज़ भी बताता जाऊंगा साथ साथ। और वो उसका बॉर्डर, ये इसका बॉर्डर है। ठीक है, फॉइल प्रिंट वाला ये कपड़ा आ गया नेट पर, ये 2.5 गज का आपको मिलेगा। ठीक है, और ये भी इसका जो पट्टा लगना है नीचे, वो ये भी पूरा कंप्लीट सिल्क पर 2.5 गज का होगा, वो ये है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं ड्रेस। पहले हम नेक से शुरू करेंगे, ये नेक है, ये आ गया इसका कंप्लीट अड्डे वर्क के साथ, ये इसका नेक। ठीक है, ये इसका पूरा नेक आ गया, ये आप लोग देख सकते हैं किस तरह का काम किया हुआ है, ये नेक आ गया। अब देख लेते हैं दुपट्टा, फिर हम फ्रंट पैनल पे आएंगे। ये इसका दुपट्टा आ गया नेक पर, कंट्रास्ट दुपट्टा है ये पूरा, ये देख लें। फ्रंट पे एक साइड इसका पूरा ये बना हुआ है, बैक साइड हमने पूरा 4 साइड बैक की सिल्क की अप्लिक कर दी है। ठीक है, किरण लेस होगी चारों तरफ, और इसकी दूसरी साइड है दुपट्टे की, वो ये होगी पतली वाली। ठीक है, ये देखें, ये इसका दुपट्टा आ गया, एम्ब्रॉयडरी वर्क आप लोगों को दिखा दूँ, ये इसका पूरा एम्ब्रॉयडरी वर्क होगा। ठीक है, इस तरह का पूरा वर्क मिलेगा, काफ़ी थ्रेड का काम किया हुआ है और जरी और सीक्वेंस का काम किया हुआ है। ठीक है, ये दुपट्टा हो गया। अब देख लेते हैं इसकी कलियाँ, फिर देखेंगे सेंटर पैनल। ये इसकी कलियाँ हैं, ठीक है, ये इसकी कलियाँ आ गई। आप लोग अब ये देख लो, ये 2-टोन शीट पे ये सूट है पूरा, तो ये इसकी कलियाँ आ गई, जो कि 8 मिलेंगी आपको, 8 कली पर होगा ये पूरा ड्रेस। ठीक है, ये इसका एम्ब्रॉयडरी वर्क मैं आपको बता रहा हूँ, ये हो गई कलियाँ। अब सेंटर पैनल, ये इसका आ गया सेंटर पैनल, ये काफ़ी हैवी बना हुआ है। ठीक है, इस पर एक एक काम शेल्पर का हुआ हुआ है, और क्लिप वाले नग हो गए, कोई भी काम ग्लू नहीं है। ठीक है, सारा टाका हुआ है, ये आप लोग देख लें कितना हैवी काम है। अब इसे ओपन करते हैं, ये है सेंटर पैनल। काफ़ी हमने साइड्स के लिए जगह भी दी हुई है, ताकि जिसको जितना साइज़ का बनाना हो बना सकता है। ठीक है, ये आ गया सेंटर पैनल, और ऊपर लग जाएगा नेक। ठीक है, ये नेक लग जाएगा। अब ये देख लेते हैं, ये आ गया बैक पैनल, सही है, मतलब साइड्स पे सारी कलियों का काम होगा, साइड्स पे होगा। ठीक हो गया, अब ये देख लेते हैं स्लीव्स, ये स्लीव्स हैं, ये भी इसी तरह अड्डे वर्क पे कंप्लीट रेडी, ठीक है, मिलेंगी। ये इसका काम आ गया, 1 यार्ड पे पूरा काम होगा इसका स्लीव्स का, ये आप लोग देखें स्लीव्स का काम। ठीक है, मैं ओपन कर देता हूँ, ये एक हाथ की स्लीव्स आ गई, ये आ गई दूसरे हाथ की स्लीव्स। ठीक है, स्लीव्स हो गई। अब देखेंगे फ्रंट और बैक का, ये दामन का बॉर्डर, ये देखें, ये फ्रंट और बैक का ये दामन का बॉर्डर आ गया। ठीक है, और ये आ गया सिल्क का ट्राउज़र, कंप्लीट हो गया ये आर्टिकल। थैंक यू सो मच।